हेलो एवरीवन वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस इज अंकिता सो सो जम्मू एंड कश्मीर सेट पेपर वन प्रिपरेशन में रिसर्च एप्टीट्यूड का सेकंड चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च सो रिसर्च करने के बहुत सारे प्रकार होते हैं किस सिचुएशन पे किस लेवल में कौन सी रिसर्च को किया जाना चाहिए ये सभी चीजों को डिटेल में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एंड ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगी ये जानने में कि रिसर्च के क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड रियल लाइफ में रिसर्च को किस तरीके से किया जा सकता है सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन प्रिपरेशन पर आपको बहुत ध्यान देना है सो so, इसमें आपको स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करना है कैसे आप लोग 75 प्लस स्कोर कर सकते हो इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड करवाते हैं सो so, एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की हंड्रेड परसेंट श्योरिटी मैं देती हूँ

प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको देते हैं जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं कैसे आपने करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है और एग्जाम का क्या लेवल है इसके अलावा टू थाउजेंड प्लस एमसी क्यू क्वेश्चन बैंक जिसमें हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है एंड अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 2000 थाउजेंड एमसीक्यू पीडीएफ में आपके वो कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इस चीज की भी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए इसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है वो भी सिर्फ दो रुपए जब तक आपका ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हो सिर्फ एक ही बार ये फीस आपको देनी है इसके अलावा फ्री वीडियोज चाहते हो कोर्स की फीस पे करने से पहले एक्सेस चाहते हो तो आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ऐप डाउनलोड करने के स्टोर सेक्शन पे आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा यहां पर आप इसका पूरी जानकारी ले सकते हो कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस है दो हजार एमसीक्यू पीडीएफ है, 2000 MCQ PDF है यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट वाइज फोल्डर्स है आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जिसमें कम्प्लीट आपको यहाँ पर नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में जैसे अगर हम रिसर्च की बात करें आप देख सकते हो थियरी लेक्चर्स अवेलेबल है एमसीक्यू लेक्चर्स अवेलेबल है नोट्स और टेस्ट यहाँ पर हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रोवाइड करवाते हैं सो so, आज ही गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट कीजिए एंड स्कोर्स का बेनिफिट उठाइए डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स है तो पहला आएगा हमारे पास फंडामेंटल अप्लाइड रिसर्च एक्शन रिसर्च एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव इवेल्युएशन रिसर्च डायग्नोस्टिक एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कॉन्सेपचुअल एंड एम्पेरिकल रिसर्च सो ये रिसर्च के टाइप्स के साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन ट्वेल्व टाइप्स को हम लोग डिटेल में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आज डिस्कस करने वाले हैं एंड इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को दो क्वेश्चंस दूंगी जो कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे एंड इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर इन बारह के बारह टाइप्स पर ही बेस्ड होगा सो so इस वीडियो को आप लोग एंड तक अच्छे से समझ लीजिएगा सो so चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला टाइप यहाँ पे आता है फंडामेंटल रिसर्च ठीक है सो फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग बोल सकते हैं बेसिक रिसर्च या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं प्योर रिसर्च अब जैसे इसके नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि बेसिक या फंडामेंटल या प्योर रिसर्च का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी रिसर्च जहां पे हम लोग नॉलेज को कलेक्ट करते हैं लेकिन उसको आगे कहीं पे यूज नहीं करते ठीक है इट डज नॉट जनरेट फाइंडिंग्स विच हैव एन इमीडिएट एप्लीकेशन एट प्रैक्टिकल लेवल कई बार क्या होता है हम लोग कोई टॉपिक में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं हम लोग गूगल में उस चीज़ का सर्च करते हैं या किसी बुक में उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करते हैं लेकिन वो नॉलेज हम अपने दिमाग तक ही रखते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा नहीं होता कि हमने बस इमीडिएटली नॉलेज कलेक्ट किया एंड उसको अप्लाई करना है नहीं हम लोग सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए ही इस तरह की रिसर्च को यूज़ करते हैं ठीक है थीके? फंडामेंटल रिसर्च सिर्फ सेक ऑफ नॉलेज के लिए यूज की जाती है इसमें इसको अप्लाई करने का कोई भी हमारा इंटेंशन नहीं होता है ठीक है सो दिस इज़ अ रिसर्च टाइप दैट इज़ प्राइमरली कंसर्न विद फॉर्मुलेटिंग अ थियोरी और अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर नेचुरल फिनोमिन ठीक है सो किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए ही हम उस चीज़ को पढ़ते हैं उस पर रिसर्च करते हैं ठीक है सो रिसर्च क्या होता है रिसर्च किस तरह से करनी चाहिए एंड इसके क्या क्या फीचर्स एंड करेक्ट्रिस्टिक्स होते हैं ये चीज़ें हम लोग लेक्चर वन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड कर दूंगी आप लोग ज़रूर उस वीडियो को फॉलो कीजिए का सो रिसर्च जो होती है फंडामेंटल रिसर्च ये बेसिकली मैथमेटिक्स और रिसर्च जनरलाइजेशन से रिलेटेड होती है ठीक है इसमें क्या करते हैं हम लोग सैम्पलिंग प्रोसीजर्स को एंड हाइपोथेसिस फैक्ट्स को यूज करते हैं ठीक है सो हाइपोथेसिस so, का मतलब क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि अनुमान लगाना ठीक है कि किसी चीज़ में मान लीजिए थोड़ा सा नॉलेज ट्वेंटी परसेंट नॉलेज हम लोगों ने ले लिया एंड उसमें टेन परसेंट जो है हम लोग अनुमान लगाते हैं अपनी तरफ से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं एंड अपनी तरफ से उसमें फाइंडिंग्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं ये होता है हाइपोथेसिस तो फंडामेंटल रिसर्च को बेसिकली एजुकेशन में साइकोलॉजी में एंड साइंस की फील्ड में यूज़ किया जाता है ठीक है एंड इट इज़ यूज टू डेवलप थ्योरीज फॉर जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स इस टर्म को आप लोग फिर से सुन लीजिए कि फंडामेंटल रिसर्च इज बेसिकली यूज टू डेवलप थ्योरीज फॉर जर्नलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स ये स्टेटमेंट मैंने रिपीट क्यों की क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जाम में कई बार एज इट इज यूज की गई है ठीक है सो ये होता है फंडामेंटल रिसर्च कि हम लोग इसमें नॉलेज को कलेक्ट करते हैं लेकिन इसको कहीं पे भी अप्लाई नहीं करते हैं इमिडिएटली अब नॉलेज कलेक्ट किया है दिमाग में चीज रहे कि बाद में फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे दैट इज़ अ सेपरेट थिंग लेकिन अभी करंटली हम इसको कहीं पे भी यूज़ नहीं करते हैं तो सेकेंड टाइप आता है हमारे पास अप्लाइड रिसर्च ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट uh, टाइप्स में जैसे कि इवेलुएशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्शन रिसर्च तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं सो अप्लाई का मतलब क्या होता है कि कोई हमारे पास प्रॉब्लम थी ठीक है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने रिसर्च किया ठीक है जैसे रिसर्च करके हम लोगों को इसका कोई सॉल्यूशन मिल गया हमने क्या किया इमीडिएटली हमने उस सॉल्यूशन को अप्लाई कर दिया दैट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है नीर्स एन इमीडिएट सॉल्यूशन और रिजॉल्यूशन सो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं कि हम लोग थोड़े थोड़ी सी स्टेटमेंट से कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है जैसे कि स्टूडेंट्स बेसिकली कंफ्यूज होते हैं अप्लाइड और एक्शन रिसर्च में तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में ठीक है सो अप्लाइड रिसर्च यानी कि कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें इमीडिएटली यूज करना है टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम ठीक है जैसे कि हमारी सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह के एग्जाम्पल्स जहाँ पे दिए होंगे आप लोगों को अप्लाइड रिसर्च को ही राइट आंसर सेलेक्ट करना है ठीक है ये क्या करता है ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देता है अप्लाइड रिसर रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करता है रादर देन एक्वायरिंग नॉलेज ठीक है फंडामेंटल रिसर्च में क्या था हम लोग नॉलेज को एक्वायर करते थे लेकिन उसका उसको अप्लाई कहीं नहीं करते थे इसमें हम लोग नॉलेज को कलेक्ट भी करते हैं एंड उससे क्या करते हैं सॉल्व भी करते हैं इमीडिएट प्रॉब्लम्स को एंड ये कंसीविंग एविडेंसेस के लिए हमें बेसिकली फंक्शंस प्रोवाइड कराते हैं इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है मार्केटिंग रिसर्च सो मार्केटिंग फील्ड का अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप देख सकते हो कि वहाँ पर इमीडिएटली उन लोगों को सोल्यूशन चाहिए होते हैं ठीक है एंड अप्लाइड रिसर्च को एजुकेशन में इंजीनियरिंग में साइकोलॉजी एंड किसी भी तरह के बिजनेस में यूज़ किया जाता है एंड इमीडिएट इश्यूज को रिजॉल्व करना है जैसे कि डेली लाइव इश्यूज होते हैं ठीक है हमारे काम से रिलेटेड इश्यूज होते हैं हेल्थ और वेलफेयर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उन सभी जगह पर अप्लाइड रिसर्च को यूज़ किया जाता है तो so, इसके तीन टाइप्स होते हैं इवेल्यूशन रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्शन रिसर्च तो so, इधर सिर्फ हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं क्योंकि इवेल्युएशन एंड एक्शन रिसर्च एक सेपरेट टॉपिक है इसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है वेयर द फोकस इज ऑन सेटिंग अप फ्रेश प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच फोकस ऑन टारगेट मार्केट रिक्वायरमेंट्स सो जो हमारी टारगेट मार्केट होती है ठीक है हमारा कोई भी प्रोडक्ट है मान लीजिए उसका जो टारगेट मार्केट है हम उस पर फोकस करेंगे कि उनकी मार्केट में क्या आजकल डिमांड चल रही है हम ऐसा नहीं देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट हम बना रहे हैं हम वही बनाएंगे हम देखेंगे मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है दैट इज कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सो अब बात करते हैं एक्शन रिसर्च की एक्शन रिसर्च एक अप्लाइड रिसर्च का ही सब पार्ट है ठीक है एंड इट इज़ यूज टू सॉल्व एग्जिस्टिंग एंड इमीडिएट प्रॉब्लम्स ठीक है सो एग्जिस्टिंग एंड इमीडिएट प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है लेकिन ये हमेशा फोकस करता है लोकल प्रॉब्लम्स पे लोकल प्रॉब्लम्स का मतलब है जैसे कि हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम है ठीक है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं ठीक है थीके? Uh, इसके साथ ही आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एक्शन रिसर्च को हम एक साइकिल ऑफ़ एक्शन बोलते हैं या फिर इसको साइकिल ऑफ इंक्वायरी हम बोलते हैं इट इज इट इज यूज इन द फील्ड वेयर वी फाइंड सम सोल्यूशंस ठीक है इसमें क्या करते हैं हम लोग थ्योरी को डेवलप नहीं करते हैं इसमें हम लोग थ्योरी को डेवलप नहीं करते हैं जैसे कि हम अप्लाइड रिसर्च में करते थे ठीक है सो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए एंड एक्शन रिसर्च का एक मेन फोकस किसपे होता है टू मेक अ बेटर अब मान लीजिए कि कोई एक प्रॉब्लम है इसका हमारे पास एक सॉल्यूशन है तो हम एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढेंगे ये सोचकर कि इसका इससे बेटर एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा सॉल्यूशन वन से बेटर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम एक्शन रिसर्च को बार बार यूज करते हैं इसीलिए मैंने बोला है कि हम बोलते हैं साइकिल ऑफ एक्शन या फिर साइकिल ऑफ इंक्वायरी ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक्सप्लोर करना एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है टू एक्सप्लोर करना किसी चीज़ को ढूंढना ठीक है किसी चीज किसी नई चीज़ को ढूंढना फर्स्ट टाइम एनकाउंटर ठीक है ये क्या है ये प्राइमरली स्टडी है किसी एक अनफेमिलियर प्रॉब्लम के बारे में अब एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता ठीक है एंड उसके बारे में खुद से हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आई इसकी क्या वजह हो सकती है कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक है तो ये सब चीज़ें आती हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की वजह से यानी कि हम एक्सप्लोर करेंगे ठीक है सो ये अनफैमिलियर प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका कि रिसर्चर को थोड़ा सा नॉलेज होता है या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है यानी कि ज़ीरो लेवल से हम लोग शुरू करते हैं रिसर्च करना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना ठीक है इसके अलावा अगर जैसे एग्जाम में आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि मान लीजिए एक कोई हमारे पास सिचुएशन है कोई ऐसी प्रॉब्लम में हम लोग फंस चुके हैं एंड आप वहाँ के रिसर्चर हो आप लोगों को लेकिन उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप लोग कौन सी रिसर्च को कौन से रिसर्च के मेथड को वहाँ पे यूज़ करोगे तो आप लोग आंसर दे सकते हो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ठीक है इसका एम होता है टू डेवलप द हाइपोथिस हाइपोथीसिस या फिर टेस्ट हाइपोथीसिस को इसको डेवलप करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है ठीक है एंड इसका मेन एम टेस्टिंग नहीं होता है इसका मेन एम होता है हाइपोथेसिस को जनरेट करना उसको डेवलप करना ठीक है सो आप लोगों ने याद रखना है कि वैसे तो रिसर्च में हाइपोथेसिस हायर लेवल पे हम यूज़ नहीं कर सकते ये रिसर्च एथिक्स के खिलाफ होता है लेकिन फिर भी अगर हमारे पास बिल्कुल भी किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो हम लोग अनुमान लगाते हैं ना हम लोग गेस करना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद तुक्का लग जाए तो वही चीज़ है कि हाइपोथीसिस सिर्फ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ही एप्लीकेबल होता है नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सो डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को ठीक है डिस्क्राइब करना इन जितने भी रिसर्च के टाइप्स हैं ना इनके नाम से ही आप लोगों को ट्वेंटी परसेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए ठीक है किसी चीज़ को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं अगर हमें किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है तो हम थोड़ा सा उसमें अनुमान लगा करके आगे से आगे उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं कि शायद ये हो सकता है ठीक है सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अ फॉर्म ऑफ रिसर्च दैट इंकॉपरेट सर्विस एज वेल एज डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन ठीक है सो फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन को हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं इट इंक्लूड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड रिलेटेड टू हु वॉट वेयर वेन एंड हाउ मच इन सब चीजों को ये जो क्वेश्चन मैंने बोले हु वट वेयर वेन एंड हाउ मच इन सभी के क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मिलता है इसको हम लोग एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च भी बोलते हैं एंड एग्जाम में बहुत बार एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है एंड इसके अलावा इट इज इट्स एम इज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एट इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट एंड रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स दे कैन ओनली रिपोर्ट वट हैज़ हैपन ठीक है सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं देते हैं रिमेंबर वन थिंग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं हम लोग प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं उसका सॉल्यूशन नहीं देते हैं ठीक है हम सिर्फ ये बताते हैं कि प्रॉब्लम कैसे हुई एंड क्यों हुई क्या इसका रीज़न था इसका क्या सॉल्यूशन है वो डिफरेंट टाइप के रिसर्च में हम लोग फाइंड आउट करते हैं ठीक है दैट मीन्स यूजर कैन ओनली मॉनिटर रिकॉर्ड थिंग्स एंड कैन नॉट डू एनी थिंग सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स में ऑब्जर्वेशनस होते हैं सर्वेस होते हैं एंड केस स्टडीज़ भी यूज किए जाते हैं ठीक है सो ये जितनी भी चीज़ें हैं डिटेल में आप लोग नोट कर लीजिए एंड या फिर आप हमारा पेड कोर्स अगर ज्वाइन करते हो तो ये एज इट इज़ पी हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं इससे आप लोग बहुत ईजीली जो है पढ़ सकते हो लास्ट मोमेंट पे भी नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास इवेल्यूएशन रिसर्च सो इवेल्युएट करने का मतलब क्या होता है अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ठीक है अब आप लोगों को मैं इवेल्यूएट कैसे करूँगी जब आप लोगों का जैसे इस वीडियो के एंड में दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनके आंसर के थ्रू आप ख़ुद को इवेल्यूएट कर सकते हो कि हमें कितना समझ आया या फिर फाइनल एग्जाम जो आपका पी का होगा उसमें आप लोगों के रिसर्च में कितने मार्क्स आते हैं उसके थ्रू आप लोगों ने अपने आप को इवेल्यूएट किया कि हमें कितने कॉन्सेप्ट समझ आए थे एंड कितनी हमने मेहनत की थी ठीक है तो वही चीज़ें यहाँ पे इवेल्यूएशन रिसर्च ये अप्लाइड रिसर्च का ही एक टाइप होता है एंड इट इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन एंड सिस्टमैटिक इंक्वायरी दैट इज़ कैरी आउट टू अराइव एट एन असेसमेंट और अप्रेजल ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम प्रैक्टिस एक्टिविटी और अस्टम विद द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉमेशन दैट विल बी ऑफ यूज इन डिसीजन मेकिंग सिंपल चीज़ याद रखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि डिसीजन मेकिंग की बात आती है दैट मीन्स इवेलुएटिव इवेल्यूएशन रिसर्च हम यूज़ करते हैं ठीक है इट इज़ मेड फॉर असेसिंग एंड टेकिंग स्टॉक ऑफ इफेक्टिवनेस बेसिकली ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स तो सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स में आते हैं हमारे पास फैमिली प्लानिंग एस्पेक्ट्स ठीक है फैमिली प्लानिंग स्कीम्स जो होती हैं एंड ये हमेशा सिंगल एस्पेक्ट पे ही फोकस करता है ठीक है जैसे कि जितने भी हमारे सोशल प्रोग्राम्स होते हैं उन सब में जो भी रिसर्च करनी होती है वो इवेल्यूएशन रिसर्च ही हमें हेल्प करती है नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास डायग्नोस्टिक रिसर्च डायग्नोस करने का क्या मतलब होता है अगर आप लोगों ने मेडिकल में ये टर्म सुनी होगी डायग्नोस करना यानी कि टू फाइंड एंड सॉल्व डॉक्टर क्या करते हैं बीमारी को ढूंढते हैं एंड उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं पहले वो बीमारी का पता लगाते हैं उसके बाद उसका सॉल्यूशन हमें देने की कोशिश करते हैं ठीक है सो डायग्नोस्टिक रिसर्च जो होती है न, वो कही ना वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव स्टडी की तरह होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तरह होती है ठीक है सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या करते हैं हम लोग हम बताते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आई है इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी हम डिस्क्रिप्शन देते हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें नहीं देते हैं डॉक्टर्स क्या करते हैं हमें बताते हैं कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट बोल कोई बोलता है कि उसे स्टोन है तो डॉक्टर बताएंगे कि स्टोन क्यों हुआ वाई ठीक है उसके बाद वो बताएंगे कि आप लोग क्या क्या इसमें कर सकते हो चीज़ें ठीक है क्या क्या आप लोगों को रेमिडीज यहाँ पे यूज करनी है लेकिन होता क्या है ये सिर्फ हमें बता सकते हैं सजेशंस दे सकते हैं उसको यूज करना या नहीं करना वो हम लोगों पे डिपेंड होता है ठीक है सो डायग्नोस्टिक रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की तरह ही काम करती है थोड़ी बहुत एंड इट इज़ यूज टू डिस्कवर वाट इज़ हैपनिंग वाई एंड वट कैन बी डन इस चीज़ को फिर से सुन लीजिए टू डिस्कवर वाट इज हैपनिंग वाई इट इज़ हैपनिंग एंड वाट कैन बी डन नाउ तो ये होता है डायग्नोस्टिक रिसर्च में सो इट एम्स एट आइडेंटिफाइंग कॉज ऑफ़ प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन फॉर इट ठीक है अब जैसे कि मान लीजिए आप लोग पी एच डी में अब जैसे एंट्रेंस दे रहे हो पी एच डी आप लोग करोगे तो आप लोगों को रिसर्च करनी कंपल्सरी है ठीक है आप लोगों के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ गई ठीक है रिसर्च प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप लोग क्या करोगे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल आप लोगों को एग्जाम में ऐसे दिया जा सकता है कि आप लोगों की रिसर्च में कोई प्रॉब्लम आ गई आपको उसका सॉल्यूशन नहीं देना है किसी दूसरे पर्सन को या अपने टीचर को अपने गाइड को ठीक है उसको सॉल्यूशन नहीं देना है आपने उनको सिर्फ रीज़न बताना है आपने उनको सिर्फ कॉज बताना है कि आपकी प्रॉब्लम क्यों आई है ठीक है तो आप लोग कौन से रिसर्च यूज़ करोगे आप लोग वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज़ करोगे लेकिन अगर आपको बोला जाएगा कि आप प्रॉब्लम का रीज़न भी बताओ कि क्यों ये प्रॉब्लम आई है एंड साथ में उसका सॉल्यूशन भी हमें दो ठीक है दोनों चीज़ें करनी है तो वो कौन सी रिसर्च आप लोग करोगे आप लोग करोगे डायग्नोस्टिक रिसर्च तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है इस वीडियो को आप लोग एक बार फिर से रिपीट में देख सकते हो क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं इनमें माइनर डिफरेंसेस हैं आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है अगर आप लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ जाते हो अभी जो मैं बता रही हूँ तो आप लोग कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे इन चीज़ों में नेक्स्ट आता है हमारे पास एनालिटिकल रिसर्च सो एनालिटिकल का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना ठीक है किसी चीज़ को एनालाइज करना सो so जैसे कि कोई फैक्ट है ठीक है कोई क्रिटिकल इवेल्यूएशन में हम लोग फंस चुके हैं फैक्ट्स को हमें एनालाइज करना है तो वहां पे हम लोग एनालिटिकल रिसर्च को यूज़ करते हैं ठीक है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिसर्च वेयर द रिसर्चर हैज टू मेक डू विद द डेटा एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट देयर बीहेस्ट एंड इंटरप्ट दिस इंटरप्रेट दिस इंफॉर्मेशन टू अंडरटेक एन एक डेटा ठीक है सो हमें क्या करना है जो भी डेटा है जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी के बेस पर हमें क्या करना है रिजल्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है ठीक है फ्रॉम कंडक्टिंग मेटा एनालिसिस लिटरेरी रिसर्च और साइंटिफिक ट्रायल्स एंड लर्निंग पब्लिक ओपिनियन देयर आर मैनी मेथड्स थ्रू विच द रिसर्च इज डन ठीक है तो ये होता है एनालिटिकल रिसर्च तो so, इसमें हम क्या करते हैं प्रॉब्लम को एनालाइज़ करते हैं उसको अच्छे से समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई थी प्रीवियस रिसर्च अगर किसी ने की है तो क्या उन लोगों ने भी यही प्रॉब्लम को फ़ेस किया था ये सब चीज़ें यानी कि जो प्रीवियस फाइंडिंग्स होती हैं उनको भी हम एनालाइज़ करते हैं कि क्या ये इशू उन्होंने भी फ़ेस किया था अगर उन्होंने भी फ़ेस किया था तो उन्होंने उस चीज़ का क्या सॉल्यूशन ढूंढा था ये सब चीज़ें हम एनालाइज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप जहाँ से एग्जाम में श्योर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड दूसरा आता है हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च ठीक है सो पहले क्वांटिटेटिव की बात करते हैं इसका मतलब है क्वांटिटी क्वांटिटी क्या होता है पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर क्वा क्वान्टिटी एक पर्टिकुलर फिनोमिन के लिए ठीक है so सो ये एक स्टेटिस्टिक है ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी दैट आंसर लाइक हाउ मच एंड हाउ मैनी तो एग्जाम में कहीं पे भी आप लोगों को हाउ मच एंड हाउ मैनी से रिलेटेड यानी कि कितने लोग थे कितना डेटा था किसी नंबर का जिस जिसमें आंसर आएगा ठीक है कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर कोई नंबर होगा वो होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिए ठीक है इट रिसोल्व क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू बी टू बी मेड एंड डिलीवर ठीक है ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन इसमें हम लोग ऐड करते हैं ठीक है इट कैन बी आंसर्ड बाय ओनली यस एंड नो या तो इसमें कोई नंबर होगा या फिर इसका आंसर हमेशा येस एंड नो में ही होगा इस चीज़ को बोला जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च ठीक है तो सिर्फ यस एंड नो में हम किसका आंसर देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ये सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन का इन चीज़ को आप लोग समझ लीजिए अच्छे से एंड ये ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन मैंने पूछा है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ठीक है सो so, इसमें टेबल डेटा ग्राफ ठीक है ये सब चीज़ों के थ्रू हम लोग कंक्लूजन को फाइंड आउट करते हैं एंड दिस रिसर्च टाइप इज मेनली अडॉप्टेड फॉर साइंटिफिक एंड फील्ड बेस्ड रिसर्च ठीक है लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड यूथ सेक्शन ऑफ डेटा जहाँ पे होगा वहाँ पे हम लोग क्वान्टिटेटिव रिसर्च का यूज करते हैं इसके तीन टाइप्स हैं दैट इज डिस्क्रिप्टिव को रिलेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल सो डिस्क्रिप्टिव हमने देख लिया को रिलेशनल क्या बोलता है दो वेरिएबल्स हमने ढूंढे उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है एक्सपेरिमेंटल होता है कि हम क्या नए नए एक्सपेरिमेंट करके नए नए वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है सो इसमें सर्वे को भी ऐड किया जाता है इट इन्वॉल्व इंक्वायरी सर्वे क्या होता है पब्लिक में जा कर के हम लोग इंक्वायरी करते हैं इसमें ऑनलाइन इंक्वायरी हो सकती है जैसे कि पोल्स होते हैं फेसबुक पोल लिंकड इन पोल ठीक है फेस टू फेस पब्लिक में जा कर के या फिर फोन के थ्रू हम इंक्वायरी कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन हम ऑब्जर्व करेंगे एंड डिटेक्ट करेंगे लोगों को मॉनिटर करेंगे ठीक है नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च सॉरी नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि ये हमारे रिसर्च की क्वालिटी को बताता है वाई एंड वाट ठीक है ये जो भी रिसर्च है उसका जो कंक्लूजन है उसकी क्वालिटी डिटरमाइन करेगा ठीक है एक ही प्रॉब्लम के हमारे पास तीन सॉल्यूशन है तो ये बेस्ट क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होगा बेस्ट क्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे हम उसी को हमेशा फॉलो करते हैं ठीक है सो इट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिहेवियर ऐटीट्यूड एंड ऐप्टीट्यूड ऑफ द यूज़र नोट कर लीजिए बिहेवियर एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ऑफ द यूजर दैट इज़ अबाउट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर एंड जो भी आइडियाज होते हैं उनको डेवलप करने में भी ये हमें हेल्प करता है एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग एग्जाम में कहीं पर भी अगर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग टर्म यूज़ की होगी तो आप लोगों ने बिना सोचे समझे आंसर सेलेक्ट करना है क्वालिटेटिव रिसर्च ठीक है इसमें हम लोग केस स्टडी करते हैं इंटरव्यू करते हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं जी करते हैं एंड इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चनर्स भी यूज किए जाते हैं ठीक है जैसे कि हमने क्वांटिटेटिव में बोला था येस और नो में इसका आंसर जाएगा या फिर कोई नंबर होगा लेकिन क्वालिटेटिव के केस में क्या होता है मोर देन वन वर्ड आंसर यहाँ पे हमें देना होता है ठीक है ये क्वालिटी हमें बताता है आंसर की सो येस और नो से तो हम क्वालिटी नहीं बता सकते क्वालिटी बताने के लिए तो हमें डिटेल में किसी चीज़ पर जाना पड़ेगा ठीक है तो ये होता है क्वालिटेटिव रिसर्च तो यहाँ पे डिटेल लिखी है जो भी मैंने अभी समझाया आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हो जैसे कि मोटिवेशन रिसर्च इसका एक एग्जाम्पल है ठीक है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा पी भी आप लोग ले सकते हो अगर आप लोग पेड यूजर हो सो so, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसेप्चुअल रिसर्च सो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना ठीक है किसी एक आइडिया पे बेस्ड ऑन सम आइडिया ऑन थ्योरी उसी ये कॉन्सेपचुअल रिसर्च बेस्ड होती है ठीक है फिलोसफर्स जो थिंकर्स होते हैं वो लोग इस पर काम करते हैं बेसिकली तो so, इस पर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सॉरी uh, कि जो कंसेप्चुअल रिसर्च होता है ये मेनली डिफाइन किया जाता है एज अ मेथडोलॉजी इन विच द रिसर्च इज कंडक्टेड बाई ऑब्जर्विंग एंड इंटरप्रेटिंग द ऑलरेडी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन प्रेजेंट टॉपिक अब जैसे रिसर्च हम करते हैं ऑलरेडी वो टॉपिक किसी ना किसी uh, कैंडिडेट ने पहले उस पर रिसर्च की होती है तो उस तरह की चीज़ को हम कंसेप्चुअल रिसर्च के अंदर लेते हैं यानी कि उस टॉपिक पे पहले से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करेंगे उसको इंटरप्रेट करेंगे और नई कुछ वैल्यूज उसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे ठीक है सो नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक है दैट इज़ एम्पेरिकल रिसर्च सो एम्पेरिकल रिसर्च यानी कि एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन यहां पे लिखा है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस विदाउट फोकसिंग ऑन द थियोरी और द सिस्टम ठीक है ये क्या होता है ये डेटा बेस्ड रिसर्च होता है यानी कि डेटा पे फोकस किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ये एक टाइप होता है ठीक है इट इज मेनली अंडरटेकन टू डिटरमाइन प्रूफ दैट सर्टेन वेरिएबल्स आर अफेक्टिंग द अदर इन अ पर्टिक्युलर वे यानी कि दो वेरिएबल्स हैं एक वेरिएबल दूसरे पे क्या इफेक्ट डालता है वो सब चीजें एम्पेरिकल रिसर्च के थ्रू हम पता कर सकते हैं ठीक है इन दिस रिसर्च हाइपोथीसिस इज जनरेटेड इसमें अनुमान लगाया जाता है पहले अनुमान लगाया जाता है कि ये दो वेरिएबल्स डिपेंडेंट हैं या नहीं है एंड कैसे ये एक दूसरे के साथ काम करेंगे एंड देन अ पाथ इज अंडरटेकन टू कन्फर्म और इनवैलिडेट दिस हाइपोथीसिस ठीक है सो पहले क्या किया जाता है अनुमान लगाया जाता है कि ये ये रीज़न हो सकता है उसके बाद अनुमान लगाने के बाद क्या करते हैं हम लोग एक प्रॉपर पाथ एक प्रॉपर सॉल्यूशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं ठीक है, जिससे कि हमारा वो हाइपोथेसिस या तो कंफर्म हो जाता है या फिर वो इनवैलिड डिफाइन किया जाता है ठीक है तो ये सब चीजें हम लोगों को अपने रिसर्च थीसिस में लिखनी होती हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरेटरी एंड फॉर्मलाइज्ड। एक्सप्लोरेटरी मैं बता चुकी हूं फॉर्मलाइज होता है दिस इज अ रिसर्च दैट हैज अ सॉलिड स्ट्रक्चर एंड विच ऑल्सो हैज स्पेसिफिक हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग ठीक है नेक्स्ट आता है कंक्लूजन ओरिएंटेड यानी कि जो फाइनल आंसर है जो फाइनल कंक्लूजन है उस पर बेस्ड होगा डिसीजन ओरिएंटेड यानी कि हम किस डिसीजन को लेकर के कंक्लूजन तक पहुंचेंगे सो so, ये थे हमारे ट्वेल्व टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अब लास्ट टॉपिक है हमारा पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच सो so, यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस इसमें नहीं है हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि पॉजिटिविज्म मतलब होता है इट क्लिंग्स टू द व्यू दैट ओनली फैक्चुअल नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग मेजरमेंट इज रिलायबल ठीक है सो पॉजिटिविज्म का मतलब होता है प्रत्यक्ष हम लो, आप लोग आप लोगों ने सुना होगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है यानी कि जो चीज़ हमारे सामने है जिस चीज को हमने खुद ऑब्जर्व किया है जिस चीज़ को हमने खुद देखा है उस चीज के लिए हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है तो प्रत्यक्ष मतलब पॉजिटिविज्म ठीक है सो पॉजिटिविज्म इज रिसर्च मेथड इट इज टर्म फ्रॉम सोशोलॉजी ठीक है एंड इट इज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी या फिर सोशल वर्क या जिस भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें होती है ना इस चीज को पॉजिटिविज्म बोला जाता है ठीक है इसमें क्या होता है इसमें सिर्फ आ, हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च को ही यूज़ किया जाता है ठीक है ये अभी हम बात करें सिर्फ पॉजिटिविज्म पौ, की ठीक है इट स्टेटेड दैट जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं देख सकते हैं फील कर सकते हैं सिर्फ वही चीज़ें सच हो सकती हैं ठीक है ठीके? अब जैसे हम बोलते हैं कि आ, किसी से हमने कोई स्टोरी सुन ली एंड हम उस चीज़ पे मान जाते हैं उस चीज़ को सच मान लेते हैं तो वो पॉजिटिविज्म के अंदर नहीं आता है क्योंकि उस चीज़ को हमने सामने से अपने सामने नहीं देखा है ठीक है हम उसके प्रत्यक्ष नहीं थे तो इसमें दो चीज़ें होती हैं पहली होती है थियोलॉजी यानी कि धर्मशास्त्र जैसे कि जो लोग शास्त्रों में मानते हैं ठीक है वो भगवान में भी मानते हैं ठीक है दूसरा होता है मेटाफिज़िक्स यानी कि जिस चीज़ को हम समझते हैं ठीक है पॉजिटिविज्म को हम लोग प्रत्यक्ष भी बोलते हैं इसके अलावा हम बोल सकते हैं यकीन करना ठीक है जो भी चीज़ हमारे सामने है हम तभी उस पर यकीन करेंगे ये बात इसमें बोली गई है इसमें हमारे सेंसेस ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं ठीक है इसके अलावा जो साइंटिफिक नॉलेज होती है जनरल लॉज होते हैं सोसाइटी के वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच या फिर जिसको पोस्ट पॉजिटिविज्म भी बोलते हैं हम लोग ठीक है एंड पॉजिटिविज्म जो है ये नाइनटीन सेंचुरी में आया था ये ट्वेंटी सेंचुरी में आया है ठीक है इट स्टेट्स दैट यू शुड नॉट ओनली बिलीव इन साइंस एंड साइंटिफिक नॉलेज बट यू शुड बिलीव इन जजमेंट एंड इन इंटरवेंशन ठीक है जो भी कॉमन सेंस होती है इन सब चीजों पे आपको विश्वास करना चाहिए जजमेंट्स पे विश्वास करना चाहिए ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें शास्त्रों में लिखी हैं जो चीज़ें साइंटिस्ट ने एक बार बता दी हम उन्हीं चीज़ों पे एज इट इज बिलीव कर लें ये क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव दोनों ही मैथड को कंसिडर करता है एंड बाई यूजिंग साइंटिफिक एंड जजमेंट कॉमन सेंस इफ यू सॉल्व और रिसर्च एनीथिंग दैट इज कॉल्ड पोस्ट पॉजिटिविजम ठीक है इसको हम बोल सकते हैं इट इज सर्च ऑफ ट्रूथ यानी कि सच्चाई को ढूंढने का एक मेथड है सच्चाई को ढूंढने का एक अप्रोच है पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच ठीक है सो इसमें एम्पेरिकल इंडिकेटर्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिसर्च के अंदर आती है जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज को ऑब्जर्व करते हैं एंड उन उनके बेस पे सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ठीक है सो so, ये है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉजिटिविज़्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है सो so, इन इस पूरी वीडियो पर बेस्ड दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के लिए इनके आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे पहला है एक्शन रिसर्च से रिलेटेड एंड दूसरा है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड ठीक है सो आज के लिए सिर्फ इतना ही आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट